नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ अ राइट फर्टिलिटी सेंटर फॉर यू, मतलब एक अच्छा IVF डॉक्टर आप कैसे चुने, आपको कैसे पता चले कि हाँ आपको यहाँ IVF करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। जब भी आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है आपके लिए, ये चूज़ करना कि हाँ हम किससे करवाएं और कहाँ पर करवाएं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज IVF एज सच 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। IVF अच्छे से अच्छे हाथों में भी 40-50% चांसेस ही सक्सेस देता है। अगर आप सही सेंटर, सही डॉक्टर और सही लैब को चुनते हैं तो आप ये मैक्सिमल चांसेस ऑफ कंसेप्शन अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही लैब नहीं चुनी, सही डॉक्टर नहीं चुना, तो हो सकता है आपके चांसेस इवन इफ जो होने चाहिए उससे कम हो। तो ऊपर ऊपर मोटे मोटे तौर से 3-4 चीज़ें हैं जो बताती है कि हाँ यहाँ पर IVF करवाना ठीक है या नहीं है। फर्स्टली, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी डॉक्टर की डिग्रीज क्या है। वो डॉक्टर जो हैं उन्होंने IVF की ऊंची पढ़ाई करी है या नहीं करी है। हर गायनेकोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट नहीं होता। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी करने के बाद IVF के लिए फेलोशिप या डिग्रीज होती हैं जिनमें IVF सिखाया जाता है। ये एक अलग ब्रांच है जिसमें IVF की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। IVF की ट्रेनिंग या तो उन्होंने कोई फेलोशिप करी होती है या फिर उनको DNB की डिग्री मिली हुई होती है। तो अपने डॉक्टर की डिग्री देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए कि वो कितने सालों से IVF की ट्रेनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। सेकेंडली, आप IVF जो करवा रहे हैं किस लैब में करवा रहे हैं, उस लैब में जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी अवेलेबल है या नहीं, उनके पास D5 ट्रांसफ़र या ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी है या नहीं, उनके पास ICSI करने की क्षमता है या नहीं, उनके पास PICSI है या नहीं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है या नहीं, और उस लैब के कितने सालों से वो लैब है, उस लैब में एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है या नहीं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो हमेशा क्वालिटी ऑफ लैब मेंटेन करते हैं या नहीं। सेकेंडली, उस लैब की प्रीवियस सक्सेस रिकॉर्ड्स कैसे हैं, जब आप जाते हैं अगर आप उनसे पूछते हैं उनके प्रीवियस सक्सेस रिकॉर्ड्स देते हैं या नहीं, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड थिंग है IVF की कॉस्ट। अगर आपके डॉक्टर शुरू से ही आपसे सारी कॉस्ट डिस्कस करके रखते हैं, सारे प्रॉब्लम सारी बातें बता कर रखते हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट अप्रोच है, ये एथिकल अप्रोच है। वो ये नहीं, वो बातें छुपा नहीं रहे हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको कह सकती हैं कि आप सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर से 3 चीज़ें, डॉक्टर की डिग्री क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जो लैब जिसमें वो काम कर रहे हैं उस लैब में सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, और थर्ड थिंग आपकी कॉस्ट क्या। इन 3 चीज़ों पे डिसाइड करें कि आप राइट फर्टिलिटी सेंटर या राइट फर्टिलिटी डॉक्टर चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।